जो लोग महाराष्ट्र से परिचित होंगे उन्हें पता होगा कि वहां पर जब जय भवानी कहते हैं तो जय शिवाजी का बुलंद नारा लगता है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आज हम यहां पर एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देश भर के भाजपा के एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं। नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का
हमारे युवाओं का, विशेषकर माताओं बहनों का, हमारे किसान भाई बहनों का, देश की जनता का आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्र ने आज दाखवून दिले तुष्टीकरणाचा सामना कसा करायचा। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज,